अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है और हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 31, रोमन कैरेक्टर। क्या है रोमन कैरेक्टर? अब सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि रोमन कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जैसे मोबाइल के अंदर कभी हम मैसेज टाइप करते हैं और कभी हम जो है बयाज में कुछ वर्ड्स इस तरह से लिखते हैं जो लिखना हम उर्दू में चाहते हैं लेकिन वो लिखना हमको अंग्रेज़ी में पड़ता है। जैसे मोबाइल के अंदर हम मैसेज करते हैं बहुत सारे लोग, तो मैसेज जो लिखा हुआ उर्दू में रहता है लेकिन उसकी जो राइटिंग है, जो तहरीर है, वो अंग्रेज़ी में रहती है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रोमन कैरेक्टर। अब यहाँ पर कुछ हिदायत दी हुई है, उस हिदायत को पढ़ना है। हिदायत दी हुई है मुख्तलिफ अशकाश के नाम, जगहों, जगह, शहरों के नाम और उर्दू इबारत या अल्फाज को अंग्रेज़ी हरूफ की मदद से लिखने को रोमन कैरेक्टर या ज़बान कहते हैं। अंग्रेज़ी हरूफ की मदद से हम जो उर्दू में किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोमन कैरेक्टर। अक्सर लोग अपने नाम या मुख्तलिफ मुकामात के नाम लिखने में गलती कर जाते हैं, लिहाजा यहाँ आसान तरीके से उर्दू एराब को अंग्रेज़ी में किस तरह लिखा जाता है। एराब किसे कहते हैं, ज़ेर ज़बर पेश को। अब ज़ेर ज़बर पेश को अंग्रेज़ी में किस तरह लिखेंगे उसके यहाँ पर इसकी हम मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। इसकी रहनुमाई की गई है असातिज़ा तलबा की रहनुमाई करके खूब मश्क करवाएँ। मश्क यहाँ सबसे मेन जो लफ्ज़ है वो मश्क है। क्या है मश्क? बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर उर्दू में दिया हुआ है, यहाँ अंग्रेज़ी में है और उसके मुतालिक जो मिसालें यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले ज़बर के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, उमदा के लिए डबल ए का इस्तेमाल करते हैं, ज़ेर के लिए आय का इस्तेमाल करते हैं और यो के लिए आय का इस्तेमाल करते हैं, ओ यो के ई के लिए क्या है, डबल ई का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी य के लिए ई का इस्तेमाल करते हैं और ज़बर के साथ में बड़ी ओ के लिए यो के लिए ए आय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐसा। और पेश के लिए यू का इस्तेमाल, ऊ के लिए ओ का इस्तेमाल और ऊ के लिए यू का इस्तेमाल, औ के लिए ए और यू का इस्तेमाल। और तशदीद के लिए क्या करते हैं, अंग्रेज़ी में डबल हरूफ लिखते हैं, डबल हरूफ लिखते हैं और नून गुन्ना के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़बर में अब और उमदा के लिए आज, ज़ेर के लिए इस और ई के लिए आए, पानी, फीस, तेल, य के लिए ई इस्तेमाल करते हैं और ऐसा आए के लिए ए आए इस्तेमाल करते हैं, पेश के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, अस या उस, यहाँ पर उस पढ़ेंगे क्योंकि हम रोमन कैरेक्टर में लिख रहे हैं तो उस पढ़ेंगे। अगर अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहे तो इसको अस पढ़ते हैं, यू एस को क्या पढ़ते हैं, अस पढ़ते हैं। ओ को, ओ के लिए मोर और ऊ के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, दूर, और औ के लिए ए यू का इस्तेमाल करते हैं, चौक, और तशदीद के लिए डबल हरूफ अम्मी का इस्तेमाल करेंगे और नून गुन्ना के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे, हाँ। अब यहाँ दस, आब, दिल, हाजी, गीत, बाजे, फैज़, तुम, शोर, चूहा, कौल, सिक्का, पाँच में नून गुन्ना की आवाज़ आ रही है, पाँच, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया है, हक, आप, दिन, काजी, तीन, सारे, हैरत, गुल, डोल, काजू, औलाद, जन्नत, जंगल। तो हमने यहाँ पर देखे मुख्तलिफ़ जो ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड और कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, उसकी हमने मुकम्मल मालूमात यहाँ पर हासिल किए हैं। अब नीचे दिए अंग्रेज़ी में लिखो, तो नीचे कुछ उर्दू में लफ्ज़ दिए हुए हैं उसको अंग्रेज़ी में रोमन कैरेक्टर में लिखना है। जैसे यहाँ पर जो है अरबी को हम इस तरह लिखेंगे, अरबी, ठीक है। उसके बाद में शिकार को इस तरह लिखेंगे, शी,
कार, इस तरह दो लफ्ज़ बताए मैंने तुमको, इस तरह तमाम लफ्ज़ों को तुमको खुशकर तहरीर करना है। शौक़, ज़ैब, शब, पैसा, आला, तालाब, मुहर्रम, जादू, तोता, जुगनू, सर्दी, इज्जत, ये तमाम लफ्ज़ों को रोमन कैरेक्टर के अंदर हमको जो है इंग्लिश में लिखना है। किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, रोमन कैरेक्टर के मुतालिक हमने यहाँ पर मुकम्मल मालूमात हासिल किए हैं। लेसन नंबर 31 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।